तो इसका स्टूडेंट्स देखिएगा, कल अपनी 3.2 एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। अब देखिए बेटा, 3.3 अगर आपको मेरे जो नोट्स करवाए हैं मैंने सामान्य परीक्षा में, आपको अच्छे से नोट्स करवाया, अगर वो आपको अच्छे से समझ में आ गया तो 3.3 बिल्कुल ईजी है। अब देखो 3.3 का पहला क्वेश्चन है कि आपको कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे कि निर्देशांक दिया गया है -2 और 4, 3 और 1, -1 और 0, 1 और 2, -3 और -5। आपको ज्ञात करना है कि जो ये निर्देशांक दिए गए हैं ये किस चतुर्थांश पे स्थित है या कौन से अक्ष पे स्थित है। अब बेटा मैंने आपको बताया था चतुर्थांश कितने होते हैं, 4। एक आपका प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। और एक्स की अक्ष की बात करूं तो एक आपका एक्स अक्ष होता है और एक क्या होता है, वाई अक्ष। आपको यही बताना है। देखिएगा सबसे पहले यहां मैं ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। यहां मैंने ग्राफ बनाया, और यहां आपका ये है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अब ये आपका प्लस, कल मैंने आपको बताया था अच्छे से, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4 और -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। मैंने ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में आपको प्रदर्शित करना है कि जो निर्देशांक दिए गए हैं वो कौन से चतुर्थांश में है या किस तल पर, कौन से चतुर्थांश में है या कौन से अक्ष पर स्थित है। अब देखो बेटा, पहला आपका है बिंदु पी, पी के निर्देशांक हैं -2 और 4। अब देखिएगा माइनस निर्देशांक को अगर लिखा जाए तो मैंने कहा था पहले एक्स और फिर क्या भाई, वाई। निर्देशांक में पहले x आता है और फिर क्या आता है बेटा, y। अगर नोट कर लीजिएगा, फिर भी नोट में लिख लीजिएगा, यदि निर्देशांक x और y है, x और y है तो इसे P ऑफ x एंड y से प्रदर्शित किया जाएगा। अगर P की जगह A भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, D भी हो सकता है, बट प्रदर्शित है ना, पहले x का लिखा जाएगा और फिर किसका, y का। तो बेटो पहले में देखिएगा -2 और कितना है 4 है, अर्थात पहले में x का मान तो -2 है और y का मान कितना है, 4 है। अब देखो बेटा x का मान -2 है, ये रहा, और y का मान कितना है भाई, ये रहा 4। मतलब कि अगर मैं यहां बात करूं p के निर्देशांक की तो -2 और क्या है बेटा, 4। देखिएगा इस तल पर सबसे पहले तो आपको प्रदर्शित करना है कि -2 और 4 कहाँ है, फिर आपको बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। अब बेटा चतुर्थांश मैंने आपको बताया था ना कि एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ। इसके अलावा इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, और ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा बेटा, मूल बिंदु।
और आप जानते हो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होता है। अब देखो, बोलो P बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में है, तो आप लिखोगे कि बिंदु P -2 और 4 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि यहां x ऋणात्मक, वह y धनात्मक है। एक बार फिर से मैं थोड़ा बता देता हूं, देखो इधर प्लस वाली संख्या थी कि नहीं, इधर माइनस वाली संख्या थी कि नहीं, इधर प्लस वाली थी कि नहीं, और यहां माइनस से प्रदर्शित करते थे। तो प्रथम चतुर्थांश में देखो x और y दोनों क्या है, प्लस प्लस। द्वितीय में देखो x माइनस का और y किसका है, प्लस का, मैंने नोट्स में करवाया था। तीसरे में देखो x भी माइनस का, y भी माइनस का। चौथे में देखो x प्लस का है और y किसका है, माइनस का। तो देखो यहां प्रदर्शित भी तो हो रहा है ना, P बिंदु कौन से चतुर्थांश में है बेटा, दूसरे में है। अब दूसरा देखिए अगला, मैं यहां बिंदु Q की बात करता हूं तो Q के निर्देशांक है 3 और 1, मतलब कि x का 3 है और y का कितना है बेटा, 1। चलो भाई x का 3 और y का 1, Q के निर्देशांक 3 और 1, देखो x का 3 y का 1, तो बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q कितना है, सीधे लिख देता हूं मैं, 3 और 1 कौन से चतुर्थांश में है भाई, प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है। इसको मिटो दूं बेटा, मैं ये मैंने करवा चुका हूं पहले, प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, क्योंकि x देखो x भी धनात्मक और y भी क्या है, धनात्मक, क्योंकि x वह y दोनों धनात्मक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अब देखो बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R, R में आपका एक तो माइनस एक है और दूसरा क्या है, 0, मतलब x की वैल्यू माइनस एक और y की वैल्यू 0। चलो ठीक है, x की वैल्यू माइनस वन ढूंढो कहाँ है, ये रही बेटा माइनस वन, और y की वैल्यू देखो 0, तो ये रही 0, यहां आ गया ना, यहां आ गया। अब बेटा इस लाइन पे आ गया R, R के निर्देशांक है -1 और 0। अब ये ना तो दूसरे चतुर्थांश में है ना ये तीसरे में है, तो सीधी सी बात है कौन से अक्ष पे है बेटा, x अक्ष पे है। तो आप लिख सकते हो कि बिंदु R के निर्देशांक क्या है, -1 और 0, x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है। कहां स्थित है बेटा, x अक्ष पर। देखो ना तो ये बोल सकते हैं हम दूसरे में है और ना बोल सकते हैं हम तीसरे में है, तो ये वाला x कौन सा हो गया, x अक्ष हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला देखिए, बिंदु s की बात करता हूं मैं, बिंदु s आपका दिया गया है 1 और 2। अब ढूंढो भाई बिंदु s के निर्देशांक, देखिएगा 1 और 2, अर्थात बेटा x का 1 और y का कितना है, 2। चलो भाई x का 1 आ गया और y का 2 आ गया,
पी क्यू आर एस एक और दो, बोलो भाई कौन से में है, ये कौन सा है बेटा, प्रथम चतुर्थांश है, एस है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि एक्स व वाई दोनों धनात्मक है। एक्स व वाई दोनों क्या है बेटा, धनात्मक है। यहां तक समझ में आया? उसके बाद देखिएगा टी की बात करता हूं मैं, माइनस तीन और है माइनस पांच। चलो भाई एक्स का टी के निर्देशांक, बिंदु टी, टी के निर्देशांक देखो क्या है, माइनस तीन और माइनस पांच। अब इसका बताना है आपको, अब सुनो, एक्स का भी माइनस तीन है, नीचे लिख दूंगा, एक्स का माइनस तीन वाई का माइनस पांच, एक्स का माइनस तीन और वाई का माइनस पांच टी। अब देखो बेटा कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है चतुर्थांश में है क्योंकि क्योंकि एक्स व वाई दोनों ऋणात्मक है, दोनों क्या है, ऋणात्मक है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, फिर भी थोड़ा कम समझ में आया तो नोट लगा के ये लिख ही लीजिए आप, सारणी ये आप बनाइएगा ग्राफ, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ये होता है प्लस और प्लस, एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का, ये होता है माइनस और प्लस, और ये होता है बेटा माइनस और माइनस, और ये होता है प्लस और माइनस। ये बना दीजिएगा, प्रथम में दोनों प्लस, द्वितीय में एक्स, आप पता है आपको निर्देशांक को एक्स और वाई, पहले एक्स अक्ष वाला और फिर निर्देशांक किसका होगा बिंदु वाई अक्ष वाला। अब सुनो, इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस और प्लस, और इसमें माइनस माइनस, और इसमें क्या होगा एक्स का प्लस और वाई का माइनस, और एक ये बिंदु आया था ना एक्स अक्ष, देखो कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है ना तो वाई पे क्या हो रहा है जीरो। तो नोट लगा के लिख लीजिए, यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई बराबर क्या है जीरो। देख लो एक्स पे स्थित है ना तो वाई बराबर क्या है जीरो, और भाई वाई पर स्थित हो तो एक्स पे क्या होगा जीरो। तो इसी से एक और बन गया, यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है तो एक्स बराबर क्या होगा जीरो। इंपॉर्टेंट नोट डाल लीजिएगा, ये लिख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, एक बार अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज का दूसरा प्रश्न और लास्ट प्रश्न करेंगे, इसमें दो ही प्रश्न एक्सरसाइज में। यहां तक क्लियर है? अब मैं इसको मिटोर रहा हूं भाई। अब देखिएगा बेटा, यहां अगर मैं बात करता हूं दूसरे प्रश्न की, इसको मिटोर रहा हूं बेटा, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। आपने अगर रेगुलर क्लास लगाई है ना बेटा, आप बीच में रूटीन से अगर रेगुलर क्लास लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है ना, आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं क्लास में करवा दूंगा। अब देखो अगला प्रश्न देखिए, आपको उचित पैमाना लेकर क्या ज्ञात करना है, कार्तीय तल पर आलेखित करने हैं बिंदु, और आपको सारणी दी गई है ऐसे देखो x और y। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको सारणी दी गई है x और y, एक आपका x है
और x का मान कितना है, -2 -1 0 1 3, -2 -1 और 0 1 3, 0 1 3, और y के मान दिए गए हैं 8 7 8 7, -1.25 और 3 और -1। इस प्रकार आपको सारणी दी गई है बेटा एक, और ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, मतलब बिंदु ए के निर्देशांक। सीधी सी बात है बेटा, इस सारणी का अर्थ यही हो गया ना, ए के निर्देशांक दिए गए हैं -2 और 8, बी के निर्देशांक दिए गए हैं -1 और 7, सी के निर्देशांक दिए गए हैं 0 और -1.25, और डी के निर्देशांक दिए गए हैं 1 और 3, ई के निर्देशांक दिए गए हैं 3 और -1। यही तो है ना बेटा, सारणी में यही तो दिया गया है। आपको क्या करना है, कार्तीय तल पर इनको प्रदर्शित करना है, समतल पर, कोई दिक्कत नहीं है। उचित पैमाना लेकर ये लीजिए बेटा, ये सेम प्रश्न हो गया, इसको लिखिए एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 तक ले लीजिए बस, -1 नहीं ज़्यादा है भाई, ये वाई 8 तक चल रहा है। रुको एक बार, इसको थोड़ा और आगे तक बढ़ा देता हूँ मैं, 5 6 7 8, ये वाई हो गया, 5 के बाद यहाँ भी 8 तक कर ही देते हैं, 6 7 8, ये एक्स हो गया, और यहाँ भी आगे तक बढ़ा ही देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 एक्सप्रेस, और ये आपका -1 -2 -3 4 -5 -6 7 -8। पैमाना लिख देता हूँ यहाँ, पैमाना आपका एक्स अक्ष बराबर एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, 1 खाना बराबर 1 इकाई, यहाँ मैंने सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखा। और वाई एक्स का भी पैमाना क्या होगा, 1 खाना बराबर कितनी इकाई है बेटा, 1 इकाई। अब ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ, 1 खाने में 1 इकाई ली है, अगर यहाँ लेता 2 4 6 8 10, तो 1 खाना बराबर कितनी इकाई थी बेटा, 2 इकाई। अब सुनो, बिंदु ए के निर्देशांक कौन से हैं, -2 और 4 -2 और 8, मतलब x का तो आपका -2 है, y का 8 है, चलो भाई x का -2 और y का गया 8, बिंदु ए के निर्देशांक -2 और 8, चलिए यही है भाई। आपको तो प्रदर्शित करना है, बताना ही नहीं है कौन से चतुर्थांश में है, फिर भी प्रश्न आ जाए बताएं कौन से चतुर्थांश में है, तो कौन से में है बेटा, दूसरे में है। दूसरा देखो, बिंदु बी के -1 और 7, चलिए जी ये रहा एक्स का -1 और y का 7, बिंदु बी के निर्देशांक -1 और 7, बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं, पहले एक्स के और फिर किसके भाई, वाई के। अब तीसरा देखो, सी का एक्स का 0 और y का -1 2, यहाँ 1 और 2 के बीच में है -1.25, तो लगभग यहाँ हो गया C के निर्देशांक 0 और -1.25। अब ना तो ये दूसरे में है ना तीसरे में है, कौन से x पे है बेटा, x अक्ष पे है। अगला देखो, D के निर्देशांक 1 और 3, x का 1 और y का 3, प्रदर्शित करना है, बताना तो है ही नहीं ना कौन से चतुर्थांश में है। अब देखो, E का 3 और -1, x का 3 ये लीजिए, और y का -1 ये लीजिए, ये हो गया आपका E, 3 और -1, बेटा समझ में आया कि नहीं, यही आपको क्या करना था बेटा, प्रदर्शित करना था, आपको ये बताना तो है ही नहीं कौन से चतुर्थांश में है। देखो पहला था आपका -2 और 8, ये रहा -2, x का -2 y का 8,
दूसरा था माइनस एक और सात, माइनस एक और सात। तीसरा था x का जीरो, y का माइनस का 1.25, ये रहा। अगला देखो d का एक और तीन, अब d का x का एक और y का तीन, ये रहा। अब e का तीन और माइनस एक, x का तीन y का माइनस एक, ये रहा। आपको प्रदर्शित ही करना है, आपकी एक्सरसाइज बेटा यहाँ क्या होती है कंप्लीट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा एक दो प्रश्न और करते हैं बेटा, इसमें कुछ अन्य प्रश्न करते हैं, जैसे कि आपको समझ में आया कि नहीं देखते हैं। इसको मिटो रहा हूं बेटा। और एक अच्छा सा प्रश्न करता हूं मैं, देखिए क्वेश्चन आपका क्या है कि बिंदु तीन और चार की, बिंदु यहां प्रश्न दिया गया है, बिंदु तीन और चार की y अक्ष से, y अक्ष से दूरी होगी, ये प्रश्न किया मैंने। एक नंबर का प्रश्न आ गया कि बिंदु तीन और अन्य महत्वपूर्ण में आप डाल देना प्रश्न नंबर एक। एक्सरसाइज आपकी 3.3 कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। कल हम कोई नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, फिर भी एक दो प्रश्न करवा रहा हूं। बिंदु तीन और चार की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। अब सुनो, मैं ग्राफ बनाता हूं, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, एक दो माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पांच, एक दो तीन चार पांच। देखो x का तीन है, y का चार है, ये लीजिए बिंदु a के निर्देशांक तीन और चार है। अब सुनो कि y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। अब प्रश्न में अंतर है, देखो y अक्ष की दूरी ज्ञात करो, y अक्ष की दूरी का मतलब कितना आ गया, चार। y अक्ष से का मतलब किसकी दूरी ज्ञात करनी है, x की। तो y अक्ष से, देखो y अक्ष से दूरी कितनी है, तीन। तो आपका आंसर क्या रहेगा, तीन। ये देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, टेंथ क्लास में भी आएगा ये, और आई बार बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न सबसे ज्यादा यही आता है आपका, नाइन्थ में भी इंपॉर्टेंट और टेंथ में भी इंपॉर्टेंट। सुनो कि प्रश्न है बिंदु तीन और चार की वाई अक्ष से, मतलब वाई अक्ष से का मतलब क्या पूछ रहा है ये, एक्स अक्ष की दूरी। अब सुनो एक्स अक्ष की दूरी कितनी होगी बेटा, तीन। अब देखो प्रश्न क्या था, बिंदु तीन और चार की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करो। एक्स अक्ष से का मतलब दूरी किसकी पूछ रहा है ये, वाई की। तो वाई की दूरी कितनी है बेटा, चार। बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं। इसके अलावा प्रश्न देखिएगा, जैसे कि मैं यही रखता हूं दूसरा बिंदु, प्रश्न नंबर दो, बिंदु पांच और माइनस दो की एक्स अक्ष से दूरी होगी। मैं ग्राफ बनाता हूं पहले, ये लीजिए x ओ x डैश, वाई ओ वाई डैश, एक दो तीन चार पांच, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस, एक दो तीन चार पांच, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच। x का बेटा पांच ये लीजिए, और y का कितना है, माइनस दो। ये बिंदु मैं b मान लेता हूं या a मान लेता हूं, पांच और माइनस दो। अब प्रश्न देखो, x अक्ष से का मतलब x अक्ष से मतलब किसकी दूरी, से का मतलब y की दूरी पूछ रहा है। तो बोलिएगा x अक्ष से दूरी अर्थात आपका y की दूरी पूछ रहा है, और y का उत्तर कितना आ गया बेटा, माइनस का दो। तो यहां कितना उत्तर आ गया, माइनस का दो। अगर y अक्ष से पूछे तो कितना उत्तर आता है, पांच। बोलो क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है बेटा। आपके ये दो प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अलग से करवा दिए हैं, इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, नोट लगा के लिख लीजिएगा। और आपकी ये तीसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, कल कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।